Are you ready for Popanja League? Come on. हेलो, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव और मैं हूं अर्शद आपके साथ, और मेरे साथ इस वक्त हैं प्रवीण डबास जी और प्रीति झांगियानी जी। प्रीति जी और प्रवीण जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको प्रो पंजा लीग लॉन्च होने के लिए। एंड आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हो कि मैं दो दिन से एक्साइटेड था कि यहाँ पे आना है मेरे को और मैं ट्रेन कर रहा था कि कम से कम अच्छे से हारूँ। हार तो जाऊँगा लेकिन कम से कम अच्छे से हारूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आइडिया कहाँ से आया, प्रो पंजा लीग कैसे कैसे? एक हम ऐसे स्पोर्ट में आना चाहते थे जिसमें हमारे आने से कुछ फ़र्क पड़ सके एथलीट्स को और इस पूरे स्पोर्ट को। और पंजे का तो शौक था ही, हम इमोशनली मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मेरे काफ़ी भाई बंधु थे जो पंजा खेलते थे, और तो एक थोड़ा गर्म खून था जो वो पंजा खेलते रहता था। तो जब हमने डिसाइड किया हमको स्पोर्ट्स में काफ़ी बड़े तरीके से आना है, तो हमने पंजा चूज़ किया क्योंकि ये एक आम आदमी का गेम है, सब इसको समझते हैं, सब खेल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मीडिया भी आज अपना हाथ जमा रही है, टीम ओनर सबके सब अपना हाथ तोड़ के भी ला रहे हैं, तो एक ऐसा स्पोर्ट है जो सबको समझ में आता है और उसका बेसिक जो आइडिया वो भी समझ में आता है। और तो मेन चीज़ ये था कि हम ऐसे स्पोर्ट में आना चाहते थे जिसमें सब खेल सकते हैं। तो मैम, आपके दिमाग में क्या आइडिया था? आप भी सेम चीज़ लेकर चल रही थी दिमाग में फॉर द प्रो पंजा लीग? देखिए, ये आइडिया जो था ऑफकोर्स प्रवीण का था, लेकिन जब से हमने स्पोर्ट को प्रमोट करना चालू किया, ये कितना एक्साइटिंग स्पोर्ट है ना कि कोई भी जुड़ जाता है इससे, जो भी देखेगा इस स्पोर्ट को या जो भी खेलेगा इवन एमेचोर लेवल पर, वो स्पोर्ट से जुड़ जाता है। तो मैं इसी तरह स्पोर्ट से बिल्कुल जुड़ गई और मैं सारे एथलीट्स से मिली, और यू नो हमारे एथलीट्स में बहुत पावर है, लेकिन वो बहुत काफ़ी एथलीट्स हैं जो बहुत लोअर इनकम बैकग्राउंड से भी आते हैं और वो काफ़ी सालों से पंजा खेल रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था इंडिया में कि ये स्पोर्ट प्रोफेशनली खेला जाता है। तो जैसे कि परवीन ने कहा, सारे स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस स्पोर्ट में कोई ऐसा नहीं था। जो जब हम आए उससे पहले ना, लोग इस स्पोर्ट जो एथलीट्स थे वो डिसिल्यूजन होकर छोड़ रहे थे स्पोर्ट, क्योंकि इतना पैशन था उनके पास स्पोर्ट के बारे में, लेकिन कोई इस स्पोर्ट को एक प्लेटफॉर्म या एक स्टेज नहीं दे रहा था। आज उन्हें ये मिल गया और आप देख सकते हैं कि हमारे जैसे जो टूर्नामेंट्स होते थे पहले, इसमें 200-300 बच्चे आते थे, इस बार जो टूर्नामेंट हुआ उसमें 1500 बच्चे आए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इस स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी हो गई है। जी, पॉपुलैरिटी की बात करी आपने, क्रिकेट इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड उसकी पॉपुलैरिटी को कैसे ओवर पावर करेगा ये प्रो पंजा लीग? आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉम्पीट करेंगे उसको, बट उसको कैसे आप ओवर पावर करेंगे? मैं आपकी वर्ड्स फिर से बोलूँगी कि हम उसे ओवर पावर की करने की कोशिश नहीं करेंगे क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को, हम पंजे की अपनी पॉपुलैरिटी बनाएंगे। और पंजे की अपनी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बन रही है। आप सोच सकते हैं कि हमारा पहला सीज़न हुआ ही नहीं है और ऑलरेडी बच्चे तो इतने जुड़ गए, एथलीट्स इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं। और आप इसके, क्योंकि जो कि हमने इसे मोस्टली अभी तक सोशल मीडिया पर ही दिखा है, यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम के ज़रिए, तो उनके नंबर्स इतने ज़्यादा हो गए। ना सिर्फ हमारे प्रो पंजा लीग में नंबर्स 260 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा हो गए, लेकिन इंडिविजुअल एथलीट्स के व्यूज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं, उनके वीडियोज़ के व्यूज़ या उनके, और उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। अभी हमारे एथलीट्स को के साथ फ़ोटो ले रहे हैं और वो उनके साथ यू नो उनकी अपॉर्चुनिटीज़, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं दूसरे बच्चों को जो स्पोर्ट में आना चाह रहे हैं। सो क्रिकेट के हिसाब से आई डोंट नो क्या होगी पॉपुलैरिटी, मैं ये ज़रूर कह सकती कि ये स्पोर्ट्स से पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है, आम रेसलिंग से पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है, तो पॉपुलैरिटी कहाँ तक जा सकती है वो आप खुद सोचिए। जैसे क्रिकेट होता है वैसे प्रो पंजाबी है, पंजाबी है तो हम सब कॉलेज में करते हैं, स्कूल में अपना हो जाता है। तो कभी आपके साथ हुआ है कि यार पंजाब कॉम्पिटिशन हो जाए, वो लड़की देख रही है, उसके जो जीता उसका नंबर मिलेगा उसको, इस तरीके की कोई चीज़ होती है आपके साथ? कॉलेज में तो वही होता था, और अगर कोई चैलेंज करता था तो मना तो नहीं कर सकते थे ना, तो जीते भी थे आप? जीते भी थे और हारे भी थे। अच्छा, मैंने कहीं सुना है कि आप जो है पंजा करने में, पंजा लड़ाने में आप जीत जाती हैं, तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, पहले तो मेरी मसल जीत नहीं, क्या है, उन्हें हारना पड़ता है। मैं यही एडवाइस दूंगी सारे मेन को अगेंस्ट देयर वाइव्स, आप हारिए आप खुश रहेंगे। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि जैसे आप दोनों की किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है, एंड आर्ग्यूमेंट के बाद आपका ये होता है कि चलो अच्छा पंजा लड़ा लेते हैं, जो जीता उसकी बात चलेगी, क्या कभी ऐसा हुआ है आप लोग के साथ? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, मतलब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड प्रो पंजा लीग के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आई होप कि ये बहुत बड़ा सक्सेस साबित हो आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।